हाय, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीपीटी, या इसको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। ये कुछ हमारे पास मीडियाज़ हैं, थायोग्लाइकोलेट फ्लूइड मीडियम, मैनिटोल साल्ट एगर MS है, सेफ्रोडेक्सट्रोज एगर। इसके अलावा हमारे पास है XLD, इसके लिए TSP है, हमारे पास R2A एगर है, मैकॉनकी एगर है, ट्रिप्टिक सोया एगर TS है, और इसके अलावा हमारे पास है मैकॉन की ब्रोथ। ये हमारे पास 9 एगार्स हैं। इसके ऊपर हम कुछ के ऊपर GPT परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होती है और किसके अगेंस्ट हम जो है USP के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे इसका टेस्ट GPT का। हमने आप मीडिया बना ली है, ये XLD है, ये MRSA है, ये मैकॉन्की एगर है, मैकॉन्की ब्रोथ हमने इस टेस्ट ट्यूब में बना लिया, ऑटोक्लेव करवा लिया मीडिया को और पैटी प्लेट्स को भी। ये है हमारे पास स्टॉक कल्चर है, जिसमें ये वाला कैंडिडाइल भी काम कर, ये स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस का, ये इकोलाई का, और ये हमारे पास है बैसिलस सबटिलस का। ये चार हम 80 cc के स्टॉक कल्चर यूज करेंगे। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट बेसिकली होता है GPT टेस्ट, GPT ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। ये टेस्ट तब परफॉर्म होता है जब भी कोई हम न्यू मीडिया परचेज करते हैं, उसकी हम देखते हैं कि ये हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है या नहीं करता, जो कि हमारे COA में लिखा है।
वेलकम बैक। अब ये हमारे जो मीडिया हमने रखा था ये सोलिडिफाई हो गया है। ये MSI की दो प्लेट्स हैं, एक में इकोलाई और एक में स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ये मैकॉन्की की दो प्लेट्स हैं, ये सारा सोलिडिफाई हो गया। अब इसको हम इनक्यूबेट करवा देंगे। जब भी आपने इनक्यूबेट करवाना है तो प्लेट्स को जो है उल्टा रखना है, इस तरह इसका जो कैप है वो नीचे की तरफ हो जब भी इनक्यूबेशन देनी है। ये हमारे TSP और FTM में हमने ऊपर इसके जो है नाम लिखा है, FTM मीडिया है और बैक्टीरिया जो डाला है वो भी उसका भी नाम लिखा है। तो ये आपने ये इससे ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन में जो है ना हमें हेल्प मिलेगी, जिस तरह XLD में हमने इकोलाइट डाला है, फिर मैकॉन्की एगर के अंदर हमने स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और साथ में कौन की एगर के अंदर हमने इकोलाई डाला है, यहाँ से MSA के अंदर हमने स्टेफलोकोकस ऑरियस और साथ हमने MSA के अंदर इकोलाई डाला है। तो ये बेसिकली होता है कि एक तो हमारी प्लेट्स मिक्स ना हो जाएं और दूसरा कि हमें आइडेंटिफिकेशन में जो है ना बाद में आसानी हो। साथ ये हमारी ये दो दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक के अंदर हमने स्टेफलोकोकस ऑरियस डाला है मैकॉन की ब्रोथ में और दूसरी के अंदर हमने मैकॉन की ब्रोथ में इकोलाई डाला है। तो अब हम इनको जो है इनक्यूबेट करवा देते हैं। ये हमने मैकॉन की प्लेट्स लगाई थी, ये हमने MSA की प्लेट्स लगाई थी, ये FTM TSP और साथ हमने मैकॉन की ब्रोथ लगाए थे। तो GPT के जो है वो रिजल्ट नोट करते हैं। अब मैंने बोर प्लेट मेथड से लगाया था GPT, आप जो है वो स्प्रेड से भी लगा सकते हैं, स्ट्रीक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं हम इनके रिजल्ट। ये हमने मैकॉन की एगर लगाया था, इसके अंदर हमने स्टेफलोकोकस ओरियस, मैकॉन की एगर था, स्टेफलोकोकस ओरियस था, कोई ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ, क्योंकि स्टेफलोकोकस ओरियस जो है वो मैकॉन की में ग्रो नहीं करता और यही हमारी स्पेसिफिकेशन भी थी। तो ये इसमें ग्रोथ आई है, पर्पल रेड कलर की इसमें ग्रोथ होगी मैकॉन की में, ये मैकॉन की में इकोलाई है, ये जितनी भी ग्रोथ नज़र आ रही है सारी इकोलाई की मरजेंडा पिंक कलर की, ये सारी ग्रोथ जो है वो इकोलाई की है। तो ये हमारा एगर जो है इसका GPT ये ठीक है, जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन जो रिकवरी का इसका मेथड है कि हमने 100 CFU डाली तो हमें कितनी मिली, वो एक अलग प्रैक्टिकली अलग सिनेरियो है, वो भी हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने MSA में इक्वलाई डाला था, ये बिल्कुल क्लियर क्लीन प्लेट है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ये हमने MSA में स्टेफलोकोकस ओरियस डाला था, ये थोड़ा सा टर्बिड है, ये क्लोनीज है, ये भी क्लोनीज है, ये थोड़ा सा टर्बिड है, ये सारा क्लाउडी है। इसके अलावा हमने लगाया था ये FTM में बेसिलस सबटिलस, इसका ये होता है कि ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए दोनों एगर यूज़ होते हैं। जब भी हम स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, मेडिकल डिवाइसेस की और फार्मास्यूटिकल इंजेक्शंस की, उसके अलावा मेडिसिन की कैप्सूल वगैरह, उसके लिए ये यूज़ होता है FTM TSP। इस जनरल पर्पज़ है इसका, बेसिक पर्पज़ यही होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में माइक्रो प्रेजेंट है तो वो इस एगर को TSP और FTM जो फ्लूड मीडियम है ब्रोथ है इसको टर्बिड कर देता है। ये जिस तरह हमने FTM में बेसिलस सबटिलस डाला था तो ये टर्बिड हो गया, और इसमें हमने TSP में कैंडिडा एल्बिकॉन डाला था ये भी टर्बिड हो गया, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। क्लियर ये होता है कि आपको ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल टर्बिड ना हो, जिस तरह ये टर्बिड है, ये दोनों एगर टर्बिड है।
इसके अलावा हमने लगाया था मैकॉन की ब्रोथ पे स्टेफलोकोकस ओरियस और साथ हमने इगुलाई, ये देखें जो स्टेफलोकोकस ओरियस है वो नो ग्रोथ, वो ग्रोथ शो नहीं करता मैकॉन की, ना तो ब्रोथ में और ना ही एगर में। ये बिल्कुल पिंक मैजेंडा से कलर का एगर है, तो ये स्टिल अपने कलर में ही है। ये इकोलाई था, इसके अंदर हमने मैकॉन की ब्रोथ में इकोलाई डाला था तो ये येलो कलर में चेंज हो गया, टर्बिड हो गया। इसके अंदर गैस प्रोडक्शन भी होती है अगर हमने इसके अंदर दरहम ट्यूब डाली हो तो। नेक्स्ट हम जब MLT परफॉर्म करेंगे अपनी प्रोडक्ट का, तब हम दरहम ट्यूब डाल के जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो प्रैक्टिकल है वो एंड हो गया, तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।